सवाल हो माध्यमादिका या वर्ग अंतराल होगा अब गणित का धमाल। तो ऐसे जो भी प्रश्न आते हैं जिसमें सारणी होती है, आपको मैं पहले प्रश्न दिखा देता हूं कि ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे जो कि आपको ऐसे परेशान करते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न में अब आपको परेशान नहीं होना है, देखना है क्या करना है और सेकेंड्स में आप आंसर दोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछ लिया भाई, कह रहा के का मान बता दो और जबकि माध्य दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्या करना, जब भी माध्य दिया दोनों का गुणा, 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 तो गुणा करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा 30, यहां पर 10 के मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा 90, यहां हो जाएगा 200 और यहां हो जाएगा 125। सबसे पहला काम इन सबको जोड़ लो, इन सबको क्या कर लो, जोड़ लो। तो जोड़ते हैं, यहां पर हो जाएगा 90 और 30 120, 120 और 200 अगर मैं जोड़ूंगा तो हो जाएगा 320, 320 और 125 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 445, और 445 में अगर मैं 10 के जोड़ दूंगा तो अपने पास ये 10 के ही बना रहेगा। क्या बना रहा, 10 के। अच्छा, उसके पास ये देखिए कि ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मोड, ये मोड दिया है कि 5 जो है 6 बार आया होगा, 10 कितने बार आया होगा ये आपको बताना है, 15 6 बार आया, 20 10 बार आया, 25 5 बार आया। तो जो फ्रीक्वेंसी है इनको जोड़ लीजिए, तो 6 6 12 12 10 22 5 27 प्लस के हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि नीचे आ जाएगा 27 प्लस के। जब मैं भाग दूंगा तो अपना जो आंसर होगा माध्य वो 15 दिया है ये आपको बोला। देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 15 गुणे 27, 15 दूनी 30 300 और 15 सत्ते 75, यानी कि अगर मैं देखूं 300 और 15 सत्ते 105, यानी कि हो जाएगा 405 प्लस 15 के। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका गुणा इधर करेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 405 प्लस 15 के। डायरेक्ट लिख लीजिए, खत्म करिए इसको अभी, खेल कैलकुलेशन ऐसे ही तेजी से की जाती है। 445 में 405 जाएगा, 40 बचेगा और यहां पर 10 के इसमें माइनस हो जाएगा तो सिर्फ 5 के बचेगा, तो के का मान क्या मिल जाएगा, 8। लिए भाई सवाल हो गया खत्म, क्या हो गया सवाल खत्म। इस तरीके से कैलकुलेशन करिए तेजी से, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए आपका अगला सवाल पूछा है, यहां भी माध्य पूछा है, क्या पूछा है, माध्य पूछा, कुछ नहीं करना है सबको, गुणा करिए 360 360 520 1475 यानी कि 700, 150 गुणे 6 यानी कि 900 और 160 गुणे 2 यानी कि 320, सबको जोड़ लीजिए। तो मैं जोड़ता हूँ सबसे पहले 60 20 80 80 20 हो गया तुम्हारा 100, 100 हो गया, इधर का काम खत्म। 5 3 8 8 7 15 15 और 9 24 24 और 3 27, यानी कि ये अपने पास 270 और 100 अगर देखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 370। फिर से जोड़ लो, 100 हो गया, 5 3 8 7 15 15 और 9 24 24 और 3 27, 270 यानी कि 2700 ये हो गया और उधर 100 जोड़ा था तो 2800 हो गया। अब 2800 में मुझे किससे विभाजित करना है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जोड़ लीजिए सबको, 4 3 7 5 12 6 18 और 2 20, यानी 20 से मैं डिवाइड कर दूंगा और 20 से डिवाइड करने पर मुझे तुरंत दिखेगा कि सर इसका जो माध्य होगा 140 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, कौन सा, डी। कैलकुलेशन फास्ट, कैलकुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सिलेक्टर, कैलकुलेशन फास्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरिटी, सिलेक्शन पक्का, ठीक है समझिएगा। नेक्स्ट आइए, माध्य ज्ञात करना है, इसमें भी सेम काम करना है, 5 को 20, 8 छ 48, 14 सत्य 98, ये 48, 14 सत्य 98, 11 8 88 और यहाँ पर 9 23 27, सबको जोड़ लेते हैं कितना मिलेगा, सबको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 9 6 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, 250 ये हो गया, 250 यहाँ पर हो गया, बाकी इधर जोड़ो 8 8 16, 16 8 24, 24 और 7 अगर जोड़ेंगे तो 31, यानी कि 281 हो गया। ऊपर जोड़ने पर 281 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उनको जोड़ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 और 14 26, 26 और 11 37, 37 और 3 40 हो गया, क्या हो गया 40। तो अब 40 को ऐसा नहीं कि आपको पहाड़ा नहीं आता, आप इसको 40 को ऐसे लिखिए, 4 गुणे 10, मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, 4 7 28, पूरा पूरा खत्म हो गया 70 बार में, हो गया। अब बचा अपने पास क्या, 1 दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 और 2, अब देखो इसको 10 से और डिवाइड करना था, 4 से कर लिया 10 से करना था, 10 से करोगे तो दशमलव एक स्थान बाईं तरफ खिसक जाएगा, 7.025, इसका माध्य क्या हो जाएगा, 7.025। क्या बोलता हूं मैं, कैलकुलेशन फास्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीधे अनुक्रमानुपाती या सीधे समानुपाती योर सिलेक्शन, ठीक। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आपके सामने लाता हूं, इसमें भी माध्य पूछा है, क्या पूछा है माध्य, तो भैया फटाक से माध्य बताना है, जल्दी से माध्य बताते हैं क्या होगा माध्य। सबसे पहले तो टोटल 6 20 20 4 और यहां पर 30, तो 20 20 40 30 70 70 और 10 80, 80 हो गया टोटल। अब 80 अगर टोटल हो गया तो अब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड कर लो, 5 2 7 4 11 5 16 2 18, 80 बटे 18, 80 बटे 18 का मतलब हो गया 40 बटे 9 और 40 बटे 9 का मतलब 9 चौको 36, 9 चौको 36 4.444,
4.4444 समझ में आया। 9 चौक 36 चार बचेगा, दशमलव लगाओगे जीरो बढ़ाओगे, फिर 9 चौक 36 फिर 10 जीरो बढ़ाओगे फिर 9 चौक 36, तो 4.44 क्या हो जाएगा माध्य। ठीक है, अगले सवाल की ओर रुझान ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर पूछा गया है माध्यिका, ऐसे केसेस में माध्यिका निकालने के केसेस में आपको क्या करना है। यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं, ऐसे केस में जब आपको माध्यिका निकालनी हो तो क्या करना है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले माध्यिका निकालने में आपको ये फ्रीक्वेंसी दी है और ये पदों की संख्या दी है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी के साथ आपको सीएफ निकालनी होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी माध्यिका निकालने में, संचयी बारंबारता की। अब संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाएगी, ध्यान से सुनना। जो पहला फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख दीजिए 5 का 5। अब बाकी में इनको जोड़कर लिखिए 8 5 13, फिर 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25, 25 और 1 26। जैसे ही आप ये पूरी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे तो सबसे आखिरी में जो आई है, सबसे आखिरी वाली, सबको जोड़ने पर मिली, सबसे आखिरी वाली फ्रीक्वेंसी पर नजर डालिए। अब देखिए ये सम है या विषम है, अगर ये फ्रीक्वेंसी यानी कि जो सीएफ आया है अगर ये सम है तो आप डायरेक्ट 2 से विभाजित कर दीजिए, अगर मान लीजिए ये विषम आ जाती है, क्या आ जाती है, विषम, तो इसमें 1 जोड़कर आप 2 से विभाजित कर दो, काम खत्म। लेकिन मुझे दिखा तो ये तो 26 आया था, सम है, तो 26 को 2 से विभाजित कर दीजिए तो आपके पास आएगा 13। अब देखिए 13 इस फ्रीक्वेंसी में कहां पर लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर 13 तो हमारे पास ये लिखा है, ठीक इसी के सामने जो पद लिखा है टर्म में, फ्रीक्वेंसी में नहीं, किसमें, टर्म में, तो 13 के सामने क्या लिखा था, 7, तो आप कहोगे कि इसकी जो मीडियन होगी, जो माध्यिका यहां पर पूछी गई है वो क्या हो जाएगी, 7, क्या हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पर चलते हैं, माध्यिका ज्ञात करनी है, सेम काम करना है, सीएफ यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले 2 2 1 3, 3 3 6 6 4 10, 10 2 12, यहां पर कैसी आई सबसे आखिरी वाला, 12 यानी कि सम आया, 2 से विभाजन करिए क्या मिलेगा, 6। अब देखिए 6 के सामने क्या लिखा है, 6 के सामने लिखा है 5, यानी कि यहां पर जो माध्यिका आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी 5। अब देखिए सेकंडों में सवाल हो रहे हैं, मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड, इससे ज्यादा इन सवालों में नहीं लग रहा है, जिसमें इतना डराया गया है बच्चों को, इतना डराया गया मैंने देखा इन सवालों के लिए, आपको डरना नहीं, करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है इसमें आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है, मीडियन, जब आपको ऐसा दिया हो कि वर्ग अंतराल दिए हो, कई बार का गैप दिया हो, और फिर आपसे कहे कि माध्यिका निकालनी है, तो इसमें भी पहला काम तो आपको यही करना है कि इसकी संचयी बारंबारता को निकाल लीजिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, 5 पहला टर्म सेम, फिर जोड़ेंगे 11, फिर जोड़ेंगे 11 और 10 21, फिर उसके बाद जोड़िए 21 और 15 36, 36 में 9 जोड़ लीजिए 45, और 45 में 5 को जोड़ लीजिए 50। सबसे लास्ट में जो वैल्यू आए, सबसे लास्ट में ध्यान से सुनिएगा, सबसे लास्ट में जो वैल्यू आ जाए, जैसे 50 आई है, अब मुझे दिख रहा था ये 50 कैसी संख्या है, सम संख्या है, मैंने डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दिया, अपने पास आ गया 25, ये 25 आ गया मीडियन, क्या आ गया, मीन यानी कि माध्य आ गया, आप इसको एम मान लो, मीन लिख लो माध्य लिख लो, एक ही बात है, एम आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर माध्यिका जो निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है A1 प्लस में A2 माइनस A1 अपॉन F, और यहां पर लिखते हैं M माइनस C, क्या लिखते हैं, M माइनस C, क्लियर। अब देखो जरा इसमें A1 A2 क्या है, मैं ये देख पाया कि अपने पास ये जो 25 आया है, मुझे समझ में आया ये 25 तो यहां किसी में है ही नहीं, तो ये 25 आएगा किस में, अब देखो 21 तक का जो हिसाब किताब है वो यहां पर खत्म है, 21 के बाद 22 23 24 25 26 जो भी है वो इस वाले पार्ट में आएगा, ये वाले पार्ट में, तो इसके सामने जब आप जाओगे, इसके सामने शुरुआत में जब जाओगे, तो इसके सामने शुरुआत में यहां पर आए तो ये जो 25 है ये A1 है, ये 30 A2 है, और यहां पर जो ये चीज लिखी है 15 बीच में, ये होगा F का मान, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F। अच्छा M आपको पता चल ही गया है 25, अब बाकी बचा C क्या है, सर ध्यान से सुनिएगा, जहां से आप सामने की चीजें लिख रहे हो इसके ठीक ऊपर वाली जो संख्या होगी ये सी कहलाएगी, यानी सी होगा 21। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है, A1 कितना है, A1 है 25 प्लस A2 माइनस A1, 30 में से 25 को घटाइए 5 आएगा, F कितना है, F 15 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 15। आगे बात करते हैं M माइनस C, M कितना लिखा हुआ है, M आया है 25 और C क्या है, 21,
25 में से 21 माइनस करा तो 4 आ गया, 5 एकम 5, 5 तेई 15। यहां पर आपको क्या मिला, यहां पर आपको मिला 25 प्लस में 4/3, 25 प्लस में 4/3। मैं क्या कहता हूं, 4/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 सही 1/3, 25 और 1 26, 26 सही 1/3, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी माध्यिका, कितनी 26 सही 1/3, परफेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्य ज्ञात करना है, सिंपल। माध्य ज्ञात करने में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वर्ग अंतराल दिया, तो इसमें दोनों के बीच में जो ठीक संख्या होती है उसको आप लिखो, 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 25, 30 से 40 के बीच में 35 और 40 से 50 के बीच में 45। बस मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, 15 पना 75, 25 तिहाई भी 75, 35 गुणे 4 140 और 45 गुणे 2 90। इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 75 75 150 150 और 140 290, 290 और 10 300 390 आ गया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या थी, सबको जोड़ लो, फ्रीक्वेंसी 5 2 7 3 10 4 14 और 2 16, क्या आ गया 16। डिवाइड कर लीजिए, माध्य के लिए आंसर मिल जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछे जा रहे हैं, शिफ्ट में आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे भी आपको अपनी प्रैक्टिस जमा कर रखनी है। क्या करना है, प्रैक्टिस जमानी है बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। चलिए ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के साथ मैं आपके सामने और मिलता रहूंगा, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।